नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत तो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि स्वागत के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था यूट्यूब अकाउंट, वो हैक कर लिया गया। हुआ क्या कि मेरा जो लैपटॉप था, पहले तो उसका रैनसमवेयर नाम का एक वायरस था, उसने अटैक कर दिया। उसका जो डेटा जो था वो इनक्रिप्ट कर दिया। उसके बदले में क्या किया कि जो हैकर था उसने मुझको 72 घंटे की मोहलत दी कि आप जो भी डेटा वगैरह है, क्योंकि जो भी था उसमें फोन नंबर, अकाउंट नंबर, लैपटॉप में आपका जितने भी ईमेल एड्रेस थे और भी जितना भी मैं इस्तेमाल करता था, आप लोगों को पढ़ाता था, तो सारा का सारा मैं उसी में ही रखता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, जब हैक कर लिया लैपटॉप मेरा, क्योंकि लैपटॉप हैक कैसे किया, नेट चला रहा था मैं, पीपीटी का वीडियो बंद करके मैं एडिट कर रहा था आखिरी टाइम पर, और उसमें जो एक ऑप्शन आया कि विंडो जो है अपडेट का ऑप्शन आया, मैंने कि अपडेट आ रही है, मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने जैसे ही अपडेट के लिए किया, कैसे ओके किया, वैसे ही जो लैपटॉप था वो काम करना बंद कर दिया। मतलब बहुत मतलब रुक रुक के काम कर रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब मैंने कही लाओ चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि नेट चल नहीं रहा है इसलिए कनेक्ट कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैंने लैपटॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए बंद। जब थोड़ी देर बाद में आया तो मैंने देखा कि मेरी पीपीटी कहाँ है जो मैं बनाया था 3-4 दिन से। तो मैंने उस समय समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। होते होते क्या था कि आखिर में मैंने जब उसको देखा तो मेरा सारा जो डेटा था ना वो इनक्रिप्ट हो गया। मतलब फॉर्मेट ही चेंज कर दिया उसका। मैं अगर उसका जैसे MKV है तो उसको एक ही फॉर्मेट में कर दिया, NBS, इसको कर दिया हर किसी को, चाहे मैं MP4 हो, चाहे PPT हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी फाइल हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब उन्हें अपनी कर दिया, यानी कि उनके इनक्रिप्ट कर दिया। अब उसके बदले मैंने कहा यार हो सकता है यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जिसमें यूट्यूब का माल लगता था, जिसमें यूट्यूब की आप लोगों को 3 साल से पढ़ा रहा था, जो भी जानकारी आप लोगों को दे रहा था, जो मेहनत कर रहा था मैं, तो उसको खोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, कहीं इसको तो नहीं कर दिया। जब उसको भी खोला तो फिर वही स्थिति थी। और आखिर में क्या था कि जब मैंने सोच विचार करने के बाद काफी देखा वाला कि ये हो क्या गया, तो वहां पे एक नोट मिला, हर फोल्डर में एक नोट मिला, उसमें लिखा था रीड मी। तो मैंने जब उसमें रीड किया तो देखा कि उसमें लिखा था कि अटेंशन, डोंट वरी, यू कैन रिटर्न ऑल फाइल्स, यानी कि जो आपकी फाइल है वो सारी की सारी आपको वापस कर दी जाएंगी, जैसे कि आपकी फोटोज हैं, डेटाबेस है, डॉक्यूमेंट्स है, या फिर जो भी हो, जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, उनको मैंने क्या कर दिया है, इन हैकर्स ने क्या कर दिया था, इनक्रिप्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि ओनली मेथड ऑफ रिकवरिंग फाइल इज टू परचेज डिस्क्रिप्ट टूल एंड यूनिक की फॉर यू, यानी कि इन्होंने कहा कि आपकी जो फाइल है वो डिक्रिप्ट कर दी जाएगी अगर आप मुझसे क्या करेंगे, एक टूल जो है वो खरीद लेंगे और इसके साथ एक यूनिक की दूंगा जिससे कि आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना डेटा जो है वो उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई वो चांस नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि यू कैन सेंड वन योर इनक्रिप्ट फाइल, यानी कि कोई एक फाइल भेजो पीसी में जो आपकी पड़ी हुई है, वो मैं आपकी डिक्रिप्ट करके आपको डेमो दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद कहा कि एक फाइल डिक्रिप्ट कराएंगे तो उसका कोई पैसा नहीं लूंगा, वो पूरी की पूरी फ्री होगी, ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने दी, फिर कहा कि आगे पढ़ें। इसके बाद उन्होंने एक साइट दी, उस पे उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आपकी जो टूल वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि ये जो रैनसम वेयर नाम का जो वायरस था, रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, सीधा सा मतलब ये था कि मेरा जो डेटा था लैपटॉप में उसको करप्ट कर लिया, इनक्रप्ट कर लिया और उसको उन्होंने अगवा कर लिया। अब उसके बदले में वो मुझसे क्या मांग रहे थे, फिरौती मांग रहे थे ऑनलाइन है, उन्होंने फिरौती की जो रकम रखी, उन्होंने रखी $980। तो भाई $980, इतना तो भाई इतना बड़ा करोड़पति भी नहीं हूं कि $980 दे दूंगा। और दूसरी चीज ये थी कि ये समझना भी जरूरी था क्या कि ये था क्या कि $980 में दे कहां दूंगा, किस तरह से दे दूंगा। तो उन्होंने कहा बिटकॉइन में आप पेमेंट करेंगे। फिर मैंने हिसाब किताब लगाया कि चलो $980 देने को तैयार भी हुआ, आखिर मैं इस बात के लिए बात सोच ली कि चलो $980 दे दूंगा, 3 साल की मेहनत के सामने 980 यानी कि 75,000 रुपए हैं वो आपके कुछ नहीं है, तो मैंने सोच लिया। लेकिन आखिर में फिर YouTube पे सर्च किया कि ये रैनसमवेयर क्या बला है, जब उसको मैंने समझा तो पता चला कि ये बहुत खतरनाक एक वायरस है और इससे जाने कितने लोग पीड़ित हैं, और इस तरह का आए दिन आता ही रहता है, किसी न किसी के साथ इस तरह की घटना होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन में आप पेमेंट करेंगे तो उससे भी आपको क्या नहीं होगा, फाइल वापस आने की आपकी गारंटी नहीं है। अगर आपने हो सकता है $50 या $100 डाल दिए तो उसके बाद क्या करेंगे, वो आपसे रकम जो है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो पैसे देने लायक है और पैसे देते देते वो आप लोगों को मतलब दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। ये बगल में आ रही होगी मैयत की आवाज, कोई रो रहा है, मर गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, सबका अपना अपना काम है, मेरा भी काम है। तो हुआ क्या कि ये उन्होंने क्या कर लिया, मेरा
सबने ये बताया कि बिटकॉइन में पेमेंट नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेमेंट है वो चला जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जब पेमेंट करते हैं तो उसका कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता है और उसकी कोई जांच पड़ताल करने का भारत देश में पहली बात अधिकार भी नहीं है, वो गैर कानूनी मुद्रा के रूप में उसने घोषित कर रखा है। इस तरह की चीजें तो सरकार क्या करती, भाई साहब तुम ही ये सारी चीजें कर रहे हो तो मेरा कोई मदद नहीं करती। चलिए ये छोटी चीज हो गई, उन्होंने मुझे धमकी देने के बाद $980 देने के बाद मतलब देने की बात कही, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप 72 घंटे में या 1-2 घंटे में आप मुझे नहीं 6 घंटे में अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 980 की बजाय 50% डिस्काउंट के साथ आपको $490 में आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा अपने भाषा में, मैंने कि मैंने आप समझ रहे हैं ना क्या क्या कहा होगा, मैंने कि भाई मैं 54 भी नहीं दूंगा, और समझने जरूरी था कि ये हुआ क्या। तो मैंने भाई 72 घंटे का इंतजार किया, 6 घंटे भी निकल गए। 72 घंटे बाद क्या हुआ, जब उनको कोई पैसे नहीं मिले और उन्होंने जो ईमेल एड्रेस दिए थे उस पे लिखा था ईरान से मैसेज आया था, ये जो हैक किया था लैपटॉप ईरान का था, मतलब उन्होंने जो मेल दिया था वो ईरान का था, क्योंकि ये ईरान का था इसका मतलब था ये फर्जी था, क्योंकि जब दूसरे दिन मेरा फोन हैक किया गया है वो कहां से किया गया था उसके बारे में बताता हूं। तो ये तो कर दिया फोन उन्होंने हैक, मैं फाइल वगैरह आपको यूट्यूब पे मैंने डाला भी था कि मैंने मेरा जो लैपटॉप है रैमसमवेयर ने अटैक कर दिया है, हैकर ने मेरा लैपटॉप जो है हैक कर लिया है, सारा डेटा वगैरह हैक कर लिया है, जो भी उसमें मेरी मेहनत थी 3 साल की जो भी था जो कुछ भी वो यहां तक तो सीमित था। चलिए कोई बात नहीं, 72 घंटे बीते, 72 घंटे बीते, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास मैसेज आया था उसमें स्क्रीनशॉट है। 72 घंटे बीते, 72 घंटे बाद क्या कर रहा था मैं, सुबह करीब 8-9 बजे के टाइम पे कहीं बैठा हुआ था और फोन में थोड़ा सा नेट चला हुआ छोड़ दिया, तो मैं जब नेट चला रहा तो वहां पर मैंने आया एक ऑप्शन कि आपका जो गूगल का जो यानी कि जो जीमेल अकाउंट है उसको क्या किया जा रहा है, पासवर्ड जो है रिकवर किया जा रहा है, क्या आप इसको करना चाहते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन था यस और एक ऑप्शन था नो, तो मैंने जो से नो पर किया कि मैं पासवर्ड रिकवर नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद भी मेरा जो उन्होंने जो यूट्यूब था पूरा अकाउंट यानी कि जीमेल का जो भी अकाउंट था पूरा हैक कर लिया और तुरंत उससे क्या कर दिया, मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी वो डिलीट कर दी, सारी जो यूट्यूब पर जो भी पोस्ट वगैरह पड़ी थी वो हटा दी, जितने भी लोगों को मैं सब्सक्राइब कर रखा था वो सारी हटा दिया, उसके बाद जो वीडियो थे वो प्राइवेट में कर दिए, सारे के सारे वीडियो प्राइवेट में कर दिए। मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, फिर मैंने क्या किया कि जीमेल का जो रिकवरी के लिए अकाउंट डाला था यानी कि एक ये यूट्यूब के लिए एक जीमेल डाला था जो रिकवरी के लिए था उसको भी हैक कर लिया, उसमें क्या करने लगे वो पॉर्न डालने लगे, इससे कि यूट्यूब की ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, इससे क्या रहेगा यूट्यूब मुझे स्ट्राइक देगा और मेरा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। तो वो जो दूसरा जो जीमेल अकाउंट था उस पर क्या किया उन्होंने, पॉर्न डालनी शुरू कर दी। पॉर्न जब डाली तो मैंने देखा कि यार मैं अपना दूसरा अकाउंट भी नहीं खोल पा रहा हूं, और जियो की आप मेहमा जानते ही हैं कि गलती से मेरे दुर्भाग्य से मेरे पास जो सिम थी वो जियो की थी, इसलिए ये सारा कांड हुआ, क्योंकि ये जियो से आप बचें, आपका बैंक अकाउंट में अगर लगा हुआ है किसी जगह लगा हुआ है जहां पर आपको ओटीपी की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं अपना किसी अन्य नेटवर्क की अगर सिम होती जैसे एयरटेल आइडिया की तो मैं क्या कर सकता था, वो पासवर्ड जब रिकवर करने के लिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं उन्होंने हैक कर लिया मैं पासवर्ड रिकवर करता हूं, मेरे पास ओटीपी आया, ओटीपी आने में मुझे जियो के 2 दिन लग गए ओटीपी आने में, तब तक ये क्या था कि उन्होंने मेरा पूरा अकाउंट अपने हाथों में कर लिया, मैं अपना जो यूट्यूब अकाउंट है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, ना ही किसी का जवाब दे पा रहा हूं, ना ही वीडियो देख पा रहा हूं, क्योंकि और डेटा जो था मेरा करप्ट हो गया था। तो यही आपको जानकारी देनी थी कि आप लोग भी बचें, और मैं यहां पर रो के दिखाऊं कि ऐसे ऐसे मेरे आता नहीं है मुझे नाटकबाजी करना, और ना ही मेरे मैं रोने का मन तो कर रहा है, लेकिन रोने से ज्यादा मैं किसी को मारना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया से उसको उठा दूं, इस दुनिया से मैं उसको उठा दूं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब मेरा अकाउंट हैक किया तो बेल्जियम की राजधानी पड़ती है ब्रुसेल्स, वहां से मेरा क्या किया गया था, है किया गया था वो। फिर क्या हुआ, चलो ये सारी चीजें हो गई, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे जो एडसेंस में अकाउंट में रुपए पड़े थे करीब करीब $1221 यानी कि टोटल अगर उसको हिसाब किताब लगाएंगे डॉलर में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 86,000 रुपए टोटल थे, वो उन्होंने निकाल लिए, ठीक है वो सारा निकाल लिया, जो आप लोग पीडीएफ खरीदते हैं जो भी पेमेंट आता है उसको भी वो क्या कर लिया उन्होंने हैक कर लिया था, ठीक है। तो उसको तो चलो मैंने अकाउंट में अपने सेट कर लिया है पीडीएफ वाला, चलो वो कर लिया, लेकिन वो जो 87,000-88,000 रुपए थे वो मेरे यानी कि 90,000 टोटल मान सकते हैं वो पूरा का पूरा मेरा चला गया। उसके बाद ये सोचा ये था निकाला मैंने यूट्यूब वाला पैसा इसलिए नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि इकट्ठा निकालूंगा $10,000 यानी कि 7-8 लाख रुपया हो जाएगा, तो वो लोगों के लिए क्या करूंगा, कभी मैं सोच रहा था कि कोई मंदिर अंदर पे थोड़ा सा दान करूंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा, ये पैसा जो है तो ये सपना मतलब ये भी गरीबों ने भोजन कर लिया, यानी कि जो रुपया था वो कोई गरीबी होगा तभी उसने हैक किया है, गरीबों के पास ये पैसा चला गया, लेकिन ये गरीब थोड़े अमीर देश के थे, तो इसका मतलब ये है कि जो जहां से ये किया है
वो पैसे वाले लोगों, क्योंकि भाई साहब लैपटॉप होगा तो जाहिर सी बात है गरीब नहीं हो सकता, उसने हैक किया है इस तरह की घटना, तो ये मेरा बस नहीं चलता। फिर मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लेके गया, मैं एप्लीकेशन लिख के यहाँ पर आपको मैं इसमें है, फिर भी ये फोटो कॉपी है, एप्लीकेशन लिख के गया मैं थाने पहुंचा, मैंने कहा लाओ ऐसा है मेरा सारा सब कुछ हैक कर लिया गया है, तो मैं इसको लेके जाऊं, मैं पूरी जानकारी दूं। थाने पे मैं पहुंचा वहां पे, जैसे पहुंचा तो वहां पर लिखा था कि मैं अनुराग मिश्रा माया किशन मित्रा यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ और मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, और ऐसे ऐसे करके मेरे लैपटॉप पर रैंसमवेयर ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो वहां पर जैसे ही वहां पर लोगों ने, दो चार पुलिस वाले थे और भी कई सारे लोग थे, उन्होंने देखा अरे ये क्या तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, काय का अटैक, तो उन्हें समझ नहीं आया। तो फिर आखिर में मैंने कि यार इनके बस की बात नहीं, मेरी और हट जाएगी काम में, तो मैं उनको केवल आप, मैंने कहा ये आप जो पढ़ा लिखा हो उसको दे देना, मैं जानता हूं आप कैसे यहां पर भर्ती हुए, तो आप इसको ऐसा करना, ये मेरा जो प्रार्थना पत्र है आप क्या करना इसको दे देना, जो पढ़ के आया हो तो आप उसको दे देना। तो मैं वहां पर प्रार्थना पत्र आया, फिर मैंने दूसरे दिन मैंने बात की जो भी मेरे परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि ये हाई लेवल का मामला है, जो छोटी मोटी पोस्ट के लोग हैं उनके बस की बात नहीं है, एसपी साहब से बात करें। तो कप्तान साहब से मैंने जाके फोन उन पे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा आज मिल लेना जाके, तो उम्मीद है मैं आज उनके साथ जाऊंगा, थोड़ा सा आगे की रिपोर्ट वगैरह मतलब मुकदमा दर्ज तो करवा दूंगा, पता चले मेरे जीमेल अकाउंट से किसी दूसरे देश को धमकी दे दे किसी आतंकवादी गतिविधि में, वो मेरा जीमेल अकाउंट कर ले, क्योंकि मेरे बस में तो नहीं है, समझ रहे ना, लेकिन मेरा, मैं उसे चला रहा हूँ 10-11 साल से उसको मैं चला रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत पुराना है, और पासवर्ड वगैरह भी सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, पता नहीं फोन की मेरे उन्होंने क्या क्या फाइल लिए हैं, कौन से नंबर लिए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने ली है, बैंक अकाउंट को मैंने सेव कर लिया, जो भी रुपया था 2-3 हजार रुपये मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे तो वो मैंने निकाल लिए, मतलब अभी मतलब बता नहीं सकता कितने निकाले, लेकिन पता चले आपको कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, तो मैंने बैंक वाला तो अपना सेट कर लिया, तो उसको सेट करने के बाद बाकी के मैं बैठा हुआ हूँ, उम्मीद है 2-4-5 दिन में मेरा जो चैनल है वो मेरे हाथों में आ सकता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर इस तरह की घटना अगर होती है तो चुपचाप अपनी छुपा के कहीं पर बैठ जाएं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की इस मामले में, लेकिन फिर भी सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, फिर से मैं नए सिरे से तैयारी करूंगा, फिर से मैं आप लोगों को 3 साल दूंगा, उम्मीद है अगर मन नहीं किया तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये ऑनलाइन दुनिया जो है वो बहुत खतरनाक है, अगर मैं काम करता भी हूँ तो बाकायदा सिक्योरिटी के साथ करूंगा, सारी सिक्योरिटी थी उसके बाद भी ये तोड़ दी गई, क्योंकि भाई साहब मैं हमेशा कहता हूँ भारत देश है, यहाँ पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब बात आती है किसी छोटी बात की भी तो वहां पर भी क्या होता है, लोगों का पेंट भर जाता है, जैसे मेरा अभी इस समय मेरी भी इज्जत जो है बिल्कुल, समझ रहे ना क्या कर दिया गया मेरे साथ, जो भी मेरे पास था, जो भी मेहनत की मैंने 3 साल से वो सारा चला गया, पैसा तो चलो भूल जाओ वो तो मैं दोबारा कमा लूंगा, मैं बोलता था पूरी पूरी रात जागता था आप लोगों के लिए, दिन को रात और रात को दिन बना रखा था मैंने, इन सारी चीजों के बावजूद आपकी कोई कदर नहीं, मैं किसी को बताऊंगा कि भाई साहब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, टिकटॉक पे तो नहीं बनाते थे वीडियो, टिकटॉक वो ऐसे मुंह बनाना पड़ता है तो ये सोचते हैं, तो हमें वहां समझाना पड़ता है, मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैं ऑनलाइन क्लास देता था, एक तरह से पढ़ाया करता था, वहां पर गरीब बच्चे जो है आईएएस की पीसीएस की अन्य जो चीजों की है तैयारी कर सकते हैं। तो इतना ही जानकारी दूंगा, आने वाले समय में अगर मेरा चैनल मेरे हाथों में आ जाता है तो मैं आपको वहां पे शुरू कर दूंगा, नहीं तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं, मैं आने वाले समय में यहां पर वीडियो डाल दूंगा, आप यहां से वीडियो रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो भी मटेरियल है जो भी मेरे पास बचा हुआ है, पहली बार तो रिकवर नहीं होगा, जो मेरे भाई है जिन लोगों ने वीडियो डाउनलोड कर करके रख लिए थे उनसे ले लूंगा और फिर से मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमेशा लोगों की मदद करता रहूं, चाहे मेरा कितना भी बुरा हो जाए, ये बुरा हुआ मेरे साथ मैं जानता हूं, इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल जो है वो वापस आ जाए तो आप लोग एक छोटा मोटा 2-4 मिनट का या 2-4 सेकंड का वीडियो बना के सपोर्ट अनुराग मिश्रा लिख सकते हैं, अनुराग मिश्रा मैनपुरी, सपोर्ट अनुराग मिश्रा मैनपुरी लिखकर वीडियो बना सकते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करवा सकते हैं, आप कहीं पर भी करवा सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल जो है मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैंने जो सब्सक्राइबर किए थे वो एक एक दिन, क्योंकि मैं अभी सब्सक्राइबर बढ़ाने पर फोर्स नहीं कर रहा था, मैं वीडियो बढ़ाने पर कर रहा था, क्योंकि सब्सक्राइबर मैंने सोचा था 2020 में बढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं एक बार कोर्स मैंने पूरा कर दिया था जितने भी जिस भी एग्जाम की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों का वही कहानी है, पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई, ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि हम तो सामने से मारने पे विश्वास करते हैं, किसी को बद्दुआ नहीं मारते हैं। चलिए इतनी जानकारी दूंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर मैं जिंदा रहा, मतलब जिंदा मतलब YouTube मेरा चैनल जिंदा रहा तो ही मैं मिलूंगा, अन्यथा मैं अब जीवन में इस तरह के काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे जो माल है उस पर खतरा है। चलिए तो अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।